हमारे आसपास कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जो हमारे लिए काफी मददगार होते हैं। महिलाओं के लिए अशोक के पेड़ की छाल अमृत मानी जाती है, क्योंकि इसकी छाल का पानी पीने से पीरियड्स में दर्द, ऐंठन, और जो महिलाएं ल्यूकोरिया से परेशान हैं, वे इसका उपयोग कर सकती हैं। बवासीर के रोगियों के लिए भी यह अच्छी मानी जाती है। हमारे यहाँ जो उत्तराखंड में या आम तौर पे भारत में भी दो तरह के अशोक होते हैं। एक होते हैं सरका अशोक, जिसको पेंडुलम अशोक भी बोलते हैं, जो पतला और सीधा ऊपर बढ़ता है, जगह कम घेरता है। एक दूसरा होता है सीता अशोक, जिसको बोलते हैं सरका अशोक इंडिका, सरका इंडिका, तो वो इंडिया का ही है, मतलब भारतीय निवासी पौधे। उस अशोक की छाल को निकाल कर उसका वो बनाकर एक्सट्रैक्ट निकाल कर उससे बनता है अशोका रिष्ट। अशोका रिष्ट के बहुत सारे उपयोग हैं। ये न सिर्फ महिलाओं के ल्यूकोरिया और गर्भावस्था के अन्य रोगों में भी काम करता है, बल्कि जेनिटल्स के जो प्रॉब्लम्स होती हैं महिलाओं में, उनके इलाज के लिए भी प्रयोग होता है। और जब हमारे शरीर से खून की अत्यधिक रक्त स्राव होता है डिलीवरी के बाद, तो महिलाओं को ये सुझाव दिया जाता है अशोका रिष्ट पिए। तो अशोका जो वो अशोक, उस पर शानदार फूल भी लगते हैं, और ये माना जाता है कि अशोक वाटिका में जानकी जो सीता है वो उसी अशोक के नीचे बैठा करती थी, इसलिए उसका नाम अशोक वाटिका। जो सीता अशोक है उसके फूलों को सुखाकर उसके पाउडर से हिमालय ड्रग कंपनी के अलावा वैद्यनाथ, डाबर, उससे कुछ टैबलेट्स बनाते हैं। और जो जो इसके छाल है, छाल को कई महीनों तक भिगा के रखते हैं, उससे उसका क्वाथ निकालते हैं, तो उसको पानी के साथ या टैबलेट्स के रूप में, उनका वटी के रूप में भी उनका प्रयोग किया जाता है। ज़्यादातर ये माना जाता है कि एनीमिक महिलाएं और ऐसी महिलाएं जिनको ल्यूकोरिया, प्रदर आदि की दिक्कत हो, अशोका रिष्ट से, दसमूला रिष्ट में भी अशोका का सत्तो डाला जाता है, तो दसमूला रिष्ट और अशोका रिष्ट का काफ़ी फायदा हुआ है उसमें, मतलब अशोक का। और लेकिन धीरे धीरे भारत में जो हमारा ओरिजिनल अशोक है उसकी संख्या कम होती जा रही है, क्योंकि इसका जर्मिनेशन, इसके बीज की जो सेल्फ लाइफ है, यानी बीज पेड़ से गिरा और बोने तक का समय बहुत कम होता है, तो उसको जल्दी जल्दी बोना पड़ता है, इसलिए उस प्रजाति पे संकट है। उसको कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे प्रयास नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड और डाबर इंडिया का जीवंत वेलफेयर ट्रस्ट भी कर रहे हैं। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।